हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कल शॉपिंग करी थी विशाल मेगा मार्ट से या वी मार्ट, डी मार्ट, जो भी इन सब के पास एक ही जैसा ऑलमोस्ट सामान होता है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत बेसिक सी हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग अब मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मुझे पता है कि बहुत लोग एक कॉमेंट करेंगे जो मेरे मतलब रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं, मतलब व्यूअर नहीं है मेरे चैनल के, तो मेरी पसंद कितनी घटिया है, तुम इतनी चीप चीज़ें खरीदती हो, लेकिन मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मुझे चीज़ें बहुत पसंद आई तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। और इसमें से एक चीज़ है जो मुझे बहुत 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 पसंद आई, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूं। और वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वन बाई वन। ये ट्रे लिया है मैंने, ये ट्रे आप देख रहे हैं फ्लोरल ट्रे है और ये मेरी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। मुझे मतलब फ्लावर वाला हर एक पैटर्न पसंद है, तो ट्रे मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब इसका जो फ्लावर वाला पैटर्न है ना, वो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने ले लिया। और यश को बिल्कुल नहीं पसंद आया, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं आपको डिटेल में इसका दिखाती हूँ। और ये दो छोटे छोटे ये मैंने प्लेट्स लिए हैं, ये क्यों लिए हैं ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने बस ले लिए। सस्ते थे ये, 35-35 रुपये के थे तो मैंने ले लिए। और उसके बाद एक ये स्लिम सा, ये बहुत ही स्लिम ट्रिम सी ये ट्रे है, तो जो मोटे लोग होते हैं उन्हें पतली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, स्लिम चीज़ें पसंद आती हैं, तो मेरा वज़न बढ़ गया, तो मुझे लगता है कि ये इस टाइप की स्लिम चीज़ें यूज़ करूँगी तो शायद मैं स्लिम हो जाऊँ। तो ये मैंने लिया है, तो इसका डिज़ाइन यश ने पसंद किया, मुझे तो सब जगह फूल पत्ती यही सब पसंद आता है। ये ट्रे लिया है, इतना सुंदर लग रहा है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकती मैं, लेकिन पड़ा भी है मुझे सिर्फ 79 रुपीज़ का, तो ये मुझे बहुत पसंद आया फ्लावर की वजह से। उसके बाद ये छोटी सी प्यारी सी ट्रे काफ़ी हैंडी है, और ये 35 की है, तो ये भी महंगी नहीं है, ये भी सस्ती है। और ये दो छोटे छोटे प्लेट्स, और ये भी 35-35 के ही हैं। जो मैंने कप लिया है ये भी, ये मतलब ये फ्लोरल लिया है, ये आपको भी मैं दिखाती हूँ डिटेल में। और ये मतलब मैंने ऐसा 3 सेट लिया है, और ये सस्ते थे, तो मुझे आदत है ना कि मैं बहुत ही जैसे तैसे धो लेती हूँ और मुझे टेंशन नहीं होती कि हाँ टूट गया, क्योंकि सस्ते होते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। और ये 199 का मुझे 6 पीस पड़ा, तो मैंने ऐसा 1, 2 नहीं 3 लिया, और मैंने सोचा एक मम्मी को दूंगी, लेकिन मुझे ये फ्लावर इतने पसंद है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा देने का। ये फ्लावर पैटर्न देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा है, और इसमें छोटे छोटे रोज़ बने हुए हैं। उसके अलावा ब्लू कलर के फ्लावर हैं, बहुत ही प्यारा है। और ये कप मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ये 3 सेट लिया है, मतलब 18 पीस लिया है, मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। आई थिंक आपको भी पसंद आएगा। ये वाला है तो ये यश की पसंद का है, इसका कुछ पैटर्न, उसका इसका पैटर्न ज़्यादा अच्छा है, मतलब सब लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा फूल ज़्यादा पसंद है, तो उसको पत्तियाँ उसने ली हैं, ये भी अच्छा है, तो मैं इसको आपको दिखा देती हूँ अभी डिटेल में। और ये वाला तो आई थिंक सबको पसंद आना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, इसका पैटर्न है, बहुत अच्छा है। इसमें भी कुछ फ्लावर टाइप का ही बना हुआ है, लीफ टाइप का पता नहीं जो भी है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ये तो कप हो गए, और कप एक्चुअली मेरे सारे टूट गए थे, मैं सस्ते कप ही यूज़ करती हूँ, और गेस्ट के लिए और घर वालों के लिए मैं एक ही यूज़ करती हूँ, मैं कोई अलग वो नहीं रखती, जो बाहर के लिए वही घर के लिए। उसके बाद मैंने ये बास्केट लिया है, ये बास्केट मेरे पास पहले से भी थी, लेकिन ये बास्केट मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि मेरा मन करता है हर एक कुछ इस बास्केट में ही रखूँ। और ये बहुत ही प्यारा सा है, तो ये मैं इसको डिटेल में आपको दिखाती हूँ, बहुत सस्ता पड़ा ये, तो ये बास्केट लिया मैंने, ये काफ़ी यूज़फुल है, इसमें आप पर्स रख सकते हैं, मतलब जो क्लचेस होते हैं, वॉलेट होते हैं, वो रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र लिया है मैंने, इसमें मैं क्या रखूँगा अभी मुझे पता नहीं है, वैसे इस टाइप के हैं मेरे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़र, लेकिन जब भी जाओ तो कुछ उटपटांग तो ख़रीदना ही होता है, तो मैंने ये भी ख़रीद लिया। और ये जो बास्केट है ये 99 की 2 है, और ये बहुत सस्ती है। और इसमें आप आपके किचन में जैसे कैबिनेट्स नहीं हो तो बर्तन रख सकते हैं, ट्रे रख सकते हैं, प्लेट रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, और मेरे पास पहले से भी है, और ये मैंने 2 लिए हैं, 99 के 2 मिल गए। और उसके अलावा ये मल्टी पर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, इसे आप स्टेशनरी रख सकते हैं, और भी मेकअप का सामान रख सकते हैं, बहुत सारा कुछ रख सकते हैं जो आपका दिल करे। मेरे पास इस टाइप के 3 या 4 हैं घर में ऑलरेडी, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये स्पाइस बॉक्स बहुत पसंद आया, मेरा थोड़ा सा टूट भी रहा था, नहीं भी टूट रहा होता तो मुझे पसंद आया था, तो मैंने सोचा ले ही लेती हूँ, तो इसको मैं डिटेल में अभी आपको दिखा देती हूँ। पास से ही बहुत प्यारा है, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है, और इतना सस्ता मिला है तो मैंने ले लिया, मैंने सोचा कि ले लेना चाहिए, वैसे भी सस्ती चीज़ों को बदलने में ज़्यादा मोह नहीं लगता।
तो ये स्पाइस बॉक्स है, इसमें आप ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये स्पाइस बॉक्स है और इसका साइज मतलब जो मेरे पास पहले था उससे काफ़ी बड़ा है, और ये मतलब देखने में इतना प्यारा है, इसका टेक्सचर है, इसकी लुक है बहुत ही प्यारी है। और इस टाइप के मेरे पास घर में स्टूल वगैरह भी बिल्कुल इसी कलर के, एग्जैक्टली इसी टेक्सचर में है। और इसका जो अंदर के कप्स हैं या जो भी कंटेनर्स बने हुए हैं वो निकल जाते हैं, और इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मसाला आ जाता है, जैसे कि आप 10-15 दिन का मसाला एक साथ इसमें रख सकते हैं। तो ये मतलब खोलना बंद करना भी आसान है, बहुत ही प्यारा है, तो आप दो भी ले सकते हैं चाहे तो। और इसका प्राइस MRP 224 है, जबकि मुझे सिर्फ 150 रुपये में पड़ा, 149 का पड़ा, तो है ना सस्ती डील। और इसमें मैंने मसाले रख लिए हैं, और इसमें 100 ग्राम से ज़्यादा हर कंटेनर में मसाला आ जाता है, जो कि काफ़ी मतलब साइज़ में भी अच्छा है ये, और देखने में तो है ही प्यारा सा। और उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट चीज़, ये जो ग्लास लिए हैं मैंने, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये कटिंग चाय, कटिंग चाय। ये ग्लास है ना, जब भी मैंने देखा, मैंने और यश ने देखा, तो बस उसने कहा मम्मा ये ग्लास ले लो, ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने कहा नहीं ये तो शॉट ग्लास लग रहे हैं, कह रहा नहीं, टी का ग्लास है। तो ये मैंने ले लिया, और आते ही ना वहाँ से सबसे पहले हमने चाय बनाई, और मतलब ऐसा मज़ा आता है ना इस गिलास में चाय पीने में, ऐसा लगता है कि जैसे पहले रोड पे या सड़क वगैरह पे इस टाइप की गिलास में चाय मिलती थी, और अब तो नहीं मिलती, अब वो लोग भी डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि नहीं, इस टाइप की गिलास में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है, तो आजकल मिलता नहीं है। वो खूब उबली हुई पत्ती, मतलब एक ही पत्ती को 50 बार छान छान के बनाई हुई चाय, वो जो सड़क पे मिलती है एग्जैक्टली वही, खूब ज़्यादा चीनी वाली, खूब ज़्यादा चाय पत्ती डाल के, तो इस कप में वैसे ही कुछ अजीब सी चाय बना के पीने वाली हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और मुझे ऐसी ऊट पटांग सी चीज़ें पसंद आती हैं, और सस्ता भी है। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं पसंद है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को भी मेरी तरह ही अजीबो गरीब चीज़ें पसंद आती हो, और ये मुझे भी और मेरे बेटे को दोनों को पसंद आया। और वो कह रहा था मम्मा अगर आपने ये नहीं लिया ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मैंने कहा कि अगर आपने नहीं लिया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो ये है, मैं इसको डिटेल में आपको दिखाती हूँ। ये ग्लास तो मेरे ख्याल में हर कोई फैमिलियर तो जरूर होगा, कभी ना कभी तो आपने इस टाइप के ग्लास में चाय पी ही होगी, रोड की साइड में जो मिलती है, पहले इंडिया गेट वगैरह में मिलती थी, आप वो डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ करते हैं, और इसमें चाय डाल के तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है चाय पीने का। तो ये देख के आपको मेरे ख्याल में मन कर रहा होगा पीने का, और ये बहुत ही छोटे से पैक में और बिल्कुल कम जगह घेरता है, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ ये मुझे 79 रुपीज़ का पड़ा। उसके बाद ये छन्नी ली है मैंने, ये छन्नी मुझे बहुत सस्ती पड़ी, तो ये छन्नी अच्छी है, वैसे लोकल मार्केट में ये थोड़ी महंगी मिलती है, ये मुझे बहुत सस्ती पड़ गई, तो मैंने ये भी ले ली। फिर ये सिपर लिया है एक, तो यश जो है वो पानी पीने से कतराता है, उसे लगता है कि पानी मतलब बहुत ही कम पीता है। मैंने सोचा कि कुछ हर कुछ टाइम के बाद मैं अलग अलग टाइप की सिपर वगैरह खरीदती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद वो उसी बहाने थोड़ा ज़्यादा पानी पी ले, लेकिन कल लेके आई थी मैं, अभी तक उसने इसको यूज़ नहीं किया, पता नहीं अब कह रहा है स्कूल नहीं ले जाऊँगा, अब पिएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने ले लिया। और ये सिपर तो मुझे सिर्फ 99 का पड़ा है, और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, और लीक प्रूफ है ये, और इसके ऊपर जो कोटेशन हर एक के ऊपर अलग अलग लिखा हुआ था, तो मतलब मोटिवेशनल कोटेशन है इसके ऊपर, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर जो स्प्रिंग सा है ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने इसके ऊपर जैसे रखा हुआ था वैसे ही मैंने लगा दिया, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना, इसको अंदर रखेंगे या ऊपर इस तरीके से लगाएंगे, ये मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली, नहीं तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी। 600 ml का है ये, मम्मा और बेटा का ये कॉफ़ी मग, टी मग जो भी है। चाय तो मैंने जॉब छोड़ने के बाद से पीने शुरू करी है 5-6 सालों में, बाकी इसको कॉफ़ी मग की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और वैसे जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, वो टी कप्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क है, पेंट इसके ऊपर बहुत अच्छा है। तो एक कलर मैंने अपने लिए लिया है पैरेट ग्रीन, और यश के लिए लिया है, क्योंकि दोपहर में जब कोई नहीं होता घर में, हम दोनों होते हैं, तो फिर हम लोग इसी टाइप का कुछ कॉफ़ी बना के नमकीन वगैरह खाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि दोपहर में हम लोग इसमें कॉफ़ी पियेंगे। इसके डिज़ाइन कलर दोनों मुझे अच्छे लगे, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ये आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा। उसके बाद ये कुल्फी मोल्ड लिया है मैंने, ये एक्चुअली मैं गर्मियों से ढूंढ रही थी, पर मुझे इस जगह पे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला, तो फिर मैंने ये लिया।
ये तो नेक्स्ट ईयर ही काम आएगा, लेकिन शायद हो सकता है यश इस साल भी जमा ही ले, ठंड शुरू हो गई लेकिन फिर भी जमा लेगा वो। बाकी ये आप लोग पूछ रहे थे ना कि मतलब कि ये हुक्स हम कहाँ से लें, ये कमांड हुक्स वगैरह, तो जैसे मॉल वगैरह में या डी मार्ट वी मार्ट या जो भी सिटी लाइफ वगैरह में इस टाइप के जो हुक्स मिलते हैं ये काफ़ी मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर आप लोकल छोटे मोटे स्टोर से लेंगे, मैंने देखा है, तो वो बहुत ही इजीली उनका ग्लू जो है निकल जाता है और वो गिर जाता है, तो ये अच्छा है। तो ये है लाइफ सेविंग, मतलब आपको मतलब कुछ ना मिले, जब समझ में नहीं आए कि सामान कहाँ रखे तो ये हुक लगा लीजिए, टांग लीजिए सामान। तो ये मैंने काफ़ी सारे ले लिए हैं, यूज़ होते रहते हैं, और यश को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने कुछ अपने ले लिए हैं, कुछ यश के लिए, फ्लोरल वगैरह वाले तो मैंने अपने ले लिए हैं, बाकी ये अजीब सा फूल है, ये चाइनीज़ फूल है, पता नहीं कौन सा फूल है, वो यश के लिए है, तो ये सस्ते हैं। और ये जो हुक्स हैं ये अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आते हैं, कोई है 1 किलो का, कोई 1.5 किलो, कोई 2 किलो, ये 2 किलो का है, तो मतलब आप इसे किचन में भी लगा सकते हैं, वार्डरोब के डोर में भी लगा सकते हैं, जहाँ आपको स्पेस यूटिलाइज करना हो। 25 रुपये का है ये, तो ये बहुत ही सस्ता है। और जो ज़्यादा वाला है, जिसमें ज़्यादा है, वो 39 का है। और मैंने ये स्पंज लिया है कि दिवाली आ रही है तो घर की सफाई करने में हालत ख़राब होगी, तो वैसे तो ये कार क्लीनिंग स्पंज है, लेकिन यहाँ तो घर में ही मतलब आप इसे बहुत अच्छी तरीके से फर्श साफ़ कर सकते हैं, टाइल साफ़ कर सकते हैं, और मतलब इसमें बहुत कम मेहनत लगेगी, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से एक रस्सी भी है इसको हैंग करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, तो इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो सकती हैं। चाहेंगी तो अब मैं वीडियो भी बनाऊँगी इसके लिए, अभी तो मैंने एक ही लिया है और अभी तो मुझे और लेना पड़ेगा सफाई के लिए, तो आप भी अगर दिवाली के आसपास सफाई करना चाहते हैं तो खूब सारे स्पंज खरीद के सफाई करना शुरू कर दीजिए। और बाकी मैंने कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ्स वगैरह लिए थे, कुछ वहीं छूट गए और कुछ जो लाई हूँ वो किचन में अभी रखे हुए हैं। और मैंने कैम्फर लिया है, ये कैम्फर मैं आपको, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और कोई बहुत ही वो नहीं है चीज़ एसेंशियल, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे कि मैंने क्लीनिंग की वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने पूछा था कैम्फर कहाँ से लें, ये कैम्फर को कपूर बोलते हैं, और ये मुझे पड़ा है 55 रुपये का, और ये जो कैम्फर होता है ये काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है, और जो आप मतलब छोटी मोटी दुकानों से लेंगे, पता नहीं आजकल उसमें भी कुछ मिलावट होती है, ना वो सही से जलेगा ना उसमें अच्छी खुशबू आएगी, तो और ये बहुत ही चीज़ों में काम आता है, तो ये मैंने लिया है। तो आप जैसे किसी अच्छे स्टोर से लेंगे या ऑनलाइन भी किसी अच्छे सेलर से लें कैम्फर, क्योंकि अगर आप नकली लेंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा, और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और आप चाहे तो अपने घर में जैसे पोछा लगाते समय कपूर की गोलियों को थोड़ा सा पीस के डाल देंगे पोछे के पानी में, तो मक्खी मच्छर नहीं आएंगे घर में, और ये अलमारी में भी रख देंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे और अलमारी में स्मेल गंदी सी नहीं आएगी। अगर आप कहीं शॉपिंग पे जाते हैं और अपने हस्बैंड को भूल जाते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ एक मफलर लिया है, मतलब सस्ता गया मुझे वहाँ, यही रेंज ही था, 129 का ये पड़ा मुझे मफलर। और ये मैंने लिया है, ये फूड रैपिंग बैग्स है, जिप लॉक बैग है, तो अगर आप ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मेरे हस्बैंड जो मतलब ट्रैवल तो करते हैं, बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, तो लेकिन ट्रेन में खाना मिल जाता है, तो वो मुझे कह रहे थे कि इसका मैं करूँगा क्या, खाना तो मतलब ले जाना नहीं होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना मिले तो ही मैं दे दूँगी। और ये हैंकी का पैकेट लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड बच्चों की तरह हैंकी गुम करते हैं, तो बाई वन गेट वन मिल गया, तो ये तीनों चीज़ें मैं अपने पति देव के लिए लेके आई ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ मेरे लिए भी कुछ लेके आई है, क्योंकि मैं और यशी गए थे तो हम लोग ऐसे ही उठपटांग शॉपिंग करते रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ लेना बनता है। ये थी मेरी कुछ छोटी मोटी बिल्कुल ही सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज़ों की शॉपिंग, और कुछ लोगों को शायद पसंद आई होगी, कुछ को लगा होगा है कितनी घटिया चीज़ें हैं, कितना बेकार सामान लिया है, लेकिन जो भी हो, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।